दुनिया भर में आज बढ़ती बेरोजगारी एक गंभीर समस्या बन चुकी है। करोड़ों शिक्षित युवा बेरोजगार बैठे हैं और सरकारी नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि कुछ युवा नौकरी की दौड़ से हटकर स्वरोजगार की राह पकड़ रहे हैं। ये युवा आज समय बर्बाद किए बिना न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार पैदा कर रहे हैं। दुनिया भर के साथ भारत में भी पैदा हुए रोजगार संकट के बीच दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीगुंड इलाके से स्वरोजगार का एक आदर्श मॉडल सामने आया है। काजीगुंड के नूसू इलाके के रहने वाले बिलाल अहमद खान ने एक छोटे से तालाब को अनोखे मछली फार्म में तब्दील कर एक मिसाल कायम की है। इस 40 वर्षीय कश्मीरी युवा ने 2007 में पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया और नौकरी के लिए कड़े संघर्ष करने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी और दो बेटियों की मदद से इस मछली फार्म की शुरुआत की है। मैंने ये फार्म 2007 में शुरू किया है, फिशरीज का फार्म। तो मैं बेरोजगार था, मैंने पढ़ाई की थी, मैंने एमए किया था, लेकिन फार्म भर भर के मुझे कहीं रोजगार नहीं मिला अपने पसंद का। फिर यहाँ पर हमारे इलाके में पानी खूब है, चश्मा है इधर पांजत में, उधर से ये पानी आता है। तो हमने इस पानी का फ़ायदा उठा के फिश फार्म बनाया। हम इस फार्म में कार्प फिश पालते हैं, कॉमन कार्प, ग्रास कार्प और सिल्वर कार्प। तो ये बहुत अच्छी मछली है, सेहत के लिए बहुत अच्छी है। इसमें ये जोड़ों का दर्द जो होता है, इससे वो दूर होता है। तो यहाँ के इलाके के लोग सब यहाँ से मछलियाँ लेते हैं और ये हमारे लिए थोड़ा सा रोजगार बन गया। कश्मीरी युवा बिलाल अहमद खान का ये अनोखा फार्म अब केवल फिश फार्म तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि लोगों के मनोरंजन के क्षेत्र में बदल गया है। यहाँ मछली फार्म देखने के लिए आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग, खासकर बच्चे यहाँ आते हैं। हमने इसमें कलकत्ता से ये पैडल बोट्स मंगवाई, तो इसको हमने दूसरा भी थोड़ा जरिया बनाया ताकि यहाँ के लोग जो हैं, मुकामी बच्चे हैं, यहाँ बोटिंग करते हैं। क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर ये बोट चलाना पॉसिबल नहीं था। श्रीनगर में बोटिंग चलती है, यहाँ के जो लोकल बच्चे हैं वो ज़्यादातर वहाँ नहीं जा सकते हैं, हालात भी यहाँ ठीक नहीं रहते हैं। तो हमने ये एक आइडिया निकाला कि हम बोटिंग भी रखेंगे, इस पर मछलियाँ भी पलेंगी और बोटिंग भी चलेगी। यहाँ लोकल बच्चे आते हैं, यहाँ पर बोटिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं और हमारा भी थोड़ा रोजगार बनता है। हम यहाँ बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मैं बोलना चाहता हूँ कि जो सारे बच्चे वो इधर आए और एंजॉय करें। ये स्थान अब केवल मछली फार्म के रूप में नहीं बल्कि स्थानीय लोगों के मनोरंजन के लिए भी जाना जाता है। लोग यहाँ अब केवल मछली खरीदने के लिए नहीं आते हैं, अब वे अपने बच्चों और परिवार को स्विमिंग बोटिंग करवाने के लिए भी यहाँ आते हैं। बच्चे भी तालाब में विभिन्न प्रकार की मछलियों को तैरते हुए देखना पसंद करते हैं। 2007 से मेरे पापा यहाँ पे फिश फार्म चला रहे हैं यहाँ पे। तो हम चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट हमें थोड़ा सा सपोर्ट करे, जिसकी वजह से जो यहाँ पे बेरोजगारी है, हम उनको भी थोड़ा सा हेल्प करें। और बाकी अगर यहाँ पे टूरिज्म से उससे बढ़ जाएगा, उससे हमें भी हेल्प हो जाएगी और बेरोजगारी भी खत्म। स्वरोजगार का एक उभरता हुआ मॉडल तैयार करने वाले बिलाल अहमद खान ने यहाँ आने वाले लोगों के लिए अब अपना सेब का बागान भी खोल दिया है, जहाँ लोग घूमने आते हैं, सुंदर प्रकृति का आनंद लेते हैं। इसके अलावा खान अब भविष्य में इस जगह पर एक मनोरंजन पार्क और एक कैफेटेरिया भी खोलना चाहते हैं। काम में अपनी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, वो मदद करते हैं, सुबह शाम वो मदद करते हैं। और यहाँ कभी कभार जब मछलियाँ निकालनी हो, सितंबर अक्टूबर में हम सेल करते हैं, उस वक्त मुझे यहाँ मजदूर भी लगाने पड़ते हैं, उनका भी रोजगार बनता है। यहाँ अगर हम चाहें तो 5-10 का यहाँ रोजगार बन सकता है। हम यहाँ बढ़ा रहे हैं, झूले लगाएंगे ताकि ये बोटिंग पार्किंग वगैरह थोड़ा टूरिज्म बनाएंगे हम यहाँ पर। मछली फार्म के सफल संचालन के बाद खान और उनके परिवार ने सरकार से इस जगह को जम्मू कश्मीर में पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने में मदद करने की अपील की है, क्योंकि यहाँ पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने की अच्छी क्षमता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।